देश भर में लॉकडाउन में धारा 144 लागू की गई है। ऐसे में बात करें रोहिणी की तो KN काटजू थाने की तो SHO ने कमान संभाल रखी है। इस पर SHO के निर्देश पर पुलिस लॉकडाउन को लेकर अब पूरी तरीके से सख्त हो गई है। लगातार चौक चौराहों पर वाहन की जांच करने के साथ साथ बेवजह घर से बाहर घूमने वालों पर भी सख्ती से पेश आ रही है। इसी के चलते रात को SHO और उनकी टीम ने अनावश्यक घूमते नजर आ रहे लगभग 25 बाइक व चार पहिया वाहनों को जब्त कर लिया। अब देखना यह है कि पुलिस के इस सख्त रुख से बेवजह घूमने वालों पर कुछ असर होगा या फिर प्रशासन को और कड़ा शिकंजा कसना पड़ेगा। पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन हो रखा है, मगर हम आपको बताएं दिल्ली के कुछ जगह ऐसी है जहां पर लोग बाग बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं और थाने की पुलिस को जो है काफ़ी मुस्तैद होकर एक्शन लेना पड़ा। हम इस टाइम मौजूद है रोहिणी सेक्टर 16 के अंदर, जहां आप देख सकते हैं कि KN काटजू थाना पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई करती हुई है। लोग बाग जो है लॉकडाउन का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं, अपने घर से किसी ना किसी वजह से वो निकल रहे हैं और किसी पूरा लॉकडाउन का जो पालन है वो नहीं कर रहे। दिल्ली पुलिस के आप देख सकते थाना KN काटजू के जो पुलिस है वो लोगों को समझाती हुई और नजर आ रही है। अरे ये आपको और पता है, नहीं, आपको पता है कि और एविडेंस आएगी, आप भी बंद हो जाएंगे। आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ है मिस्टर, आप भी बंद हो जाएंगे। हां नहीं नहीं मैं देखिए आप, मैं कह रहा हूं आप भी बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, मेरा बात तो सुनिए। आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे उसमें, बिल्कुल फिर भी आप बात नहीं आ रहे अपने घर के अंदर। आप इसको फ्री होम डिलीवरी तो मंगा सकते हैं ना फोन करके। हाँ, आप इसको फोन करके भी तो मंगा सकते हैं ना। नहीं, फोन करके मंगवा सकते हैं, लेकिन देखा आपने जैसे कि दिल्ली पुलिस जो है KN काटजू थाना पुलिस जो है अपना पूरा मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है और कुछ व्हीकल जो है उन्होंने जब्त भी किए हैं, बाउंड भी किए हैं, जो सुबह इनको बोला है कि सुबह छूटेगा। मगर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं उस साइड में आप देखिए कि KN काटजू थाना के जो SHO हैं बलिहार सिंह जी, वो खुद मतलब कमान संभाले हुए हैं, खुद मौके के ऊपर हैं, खुद एक एक गाड़ी चेक कर रहे हैं और लोगों से वजह पूछ रहे हैं कि आप लॉकडाउन के अंदर होने के बावजूद भी आप सड़कों पर क्यों आ रहे हैं, क्यों इतना व्हीकल चला रहे हैं और क्यों इस टाइप की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन जस्सी के साथ नीरज शर्मा, P24 न्यूज़, दिल्ली।